तो जनाब बात उन दिनों की है जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, यानी कि 40s का शुरुआती दौर। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जापान ने सिंगापुर और हांगकांग पर अपना शासन बना के रखा हुआ था और ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार और इंडियन नेवी मिलकर जापान के खिलाफ लड़ाई कर रही थी। इसी दौर में एक बार सचिन देव बर्मन अपने दोस्त नचिकेता घोष के साथ रेल यात्रा कर रहे थे। नचिकेता घोष बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार रहे हैं और बाद में उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी बेहतरीन संगीत दिया। तो इसी रेल यात्रा के दौरान हावड़ा जंक्शन आने से बस कुछ पहले ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और सचिन देव बर्मन ने देखा कि उनके डब्बे में कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स चढ़ रहे हैं। उन्हें डब्बे में चढ़ता देख पता नहीं सचिन दा को क्या हुआ कि उन्होंने अपनी एक चादर निकाली और सर से पांव तक खुद को ढक लिया, छुप गए। ट्रेन उस स्टेशन से निकली मगर सचिन दा ने वो चादर नीचे नहीं की, उसी चादर में लिपटे छुपे बने रहे। अब जैसे ही ट्रेन हावड़ा जंक्शन के पास पहुंची तो नचिकेता घोष ने बर्मन दा को कहा कि हावड़ा आने में अपना सामान बांध लो। तब दादा बर्मन ने जरा सा मुंह बाहर निकालकर नचिकेता से पूछा कि वो चले गए। नचिकेता घोष बर्मन दादा को काफी अरसे से जानते थे और उन्हें पता था कि वो किससे डरकर छुपे बैठे हैं। नचिकेता घोष ने ब्रिटिश सैनिकों की तरफ देखा और बर्मन दा से कहा, नहीं वो गए नहीं हैं। बर्मन दा के पसीने छूट गए, हकलाते हुए बोले, भाई हावड़ा आ गया है, उनसे कहो कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं जापानीज नहीं हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सचिन दा का जन्म बांग्लादेश में हुआ था और उनकी मां मणिपुर की थी, जिसके कारण बर्मन दा की चिंकी छोटी आंखें थी और वह जापानियों और चीनियों की तरह दिखते थे। यही कारण था कि कई लोग उन्हें जापानीज या चाइनीज समझने की भूल कर लिया करते थे और उस दिन उन्हें यह डर था कि कहीं ये ब्रिटिश सोल्जर उन्हें जापानीज समझ कर कैद में ना ले लें। इसलिए वो तब तक चद्दर से बाहर नहीं आए जब तक कि ब्रिटिश सोल्जर्स हावड़ा स्टेशन पर डब्बे से उतरकर बाहर नहीं चले। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूं, वफा कर रहा हूं, वफा चाहता हूं। ये गीत है फिल्म धूल का फूल का। इस गीत से जुड़ा एक किस्सा सुनाऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।